As you know, dear students, we are reading chapter five of history, class sixth in which we have discussed a different, we have discussed about the Janapadas, then we have discussed about the Mahajanapadas in Mahajana, how these Janapadas and Mahajanapadas were formed, then we have talked about the their governments, in which we have read about the republics, then we have talked about the monarchies, and we have also discussed how what was the difference between the republics and the monarchies in our previous lectures. As you know, earlier we have discussed the king, the position of the king, in the Vedic age. Now we have to discuss also the position of the king in the Janapadas and the Mahajanapadas, especially live during the period in Magadha, that is Mahajanapada's position of the king. That means if you need a go, if you have a territory, that means you have a government also, and government is also run by the, <coughs> by some people. गवर्नमेंट को हुकूमत को कौन चलाते कुछ लोग चलाते हैं तो किसी जगह हम क्या देखते हैं किसी जगह हमने रिपब्लिकस देखा किसी जगह हमने मनार्कस देखा जब हम मनार की बात करेंगे तो हमें वहाँ पर किंग मिलेगा ठीक है जब हम रिपब्लिक की बात करेंगे तो हमें वहाँ पर एक असम्बली मिलेगी वहाँ पर कुछ हमें दूसरी तरह की हुकूमत मिलेगी पर यहाँ पर जब जहाँ तक हमें मगाधा की बात है तो इसमें हमें एक किंग मिलता है तो किंग कैसा था इसके पावर्स कैसे थे कितने थे और ये किस कस्म की हुकूमत चलाता था था इसको कौन एडवाइज़ करते थे इंसिस्ट करते थे इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है ठीक है तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल किंग वाज ट्रीटेड एज गॉड तो हम ये देखते इससे हमें ये पता चलता था कि जो हाइस्ट पोजिशन इन सोसाइटी इन द मगाधा जो थी इन द माहजन्ना पदा जो थी वो किसकी थी वो किंग की थी इन अदर वर्ड्स वो कंसिडर एज भगवान किया जाता था उसको बहुत ज़्यादा इज़्जत की जाती थी एंड ही वाज और इज़्ज़त करने के साथ साथ उसके खिलाफ कोई उठने की हिम्मत नहीं करता था या उसके खिलाफ उठता ही नहीं था या कोई अपनी आवाज़ उसके खिलाफ बुलंद नहीं करता था तो दिस वॉज वाट दिस वाज द पुजिशन दिस वाज द रेस्पेक्ट दिस वॉज ऑनर that he was considered as a he was treated as god not only this he was also his position was very powerful his position was very powerful that means no other person uske barabar koi aur is society mein nahi hota tha wo itna hi nahi tha ki wo इतना ही नहीं बल्कि वो अपनी टेरिटरी से पूरा रेवेन्यू टैक्स जो कलेक्ट करता था वो कौन करता था वो किंग ही करता था कलेक्ट तो इसी के जो आफिसर्स थे बाकी बाकी जो थे वही कलेक्ट करते थे कहाँ से अपनी हिस्ट्री से टैक्स कलेक्ट करते थे एज वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द टैक्सेशन इन दिस पीरियड गोइंग फॉरवर्ड जब हम आगे अभी चलेंगे तो टेक्जिशन के बारे में भी हमें बात करनी है तो इसके यूज़ज़ के बारे में भी बात करेंगे तो इसी के साथ हमें एक और क्लास जो आता है इस सोसाइटी में वो पीस्टस का आता है जो ब्रह्मनज में हुआ करते थे ब्राह्मनज में हुआ करते थे तो वो पीस्टस थे वट वाज देयर ड्यूटी दे वर आलसो एडवाइजिंग द किंग दिस वलसो एडवाइजिंग द किंग किंग नॉट ओनली दिस जो ये प्रीस्टस थे दे वर मेकिंग द डिफरेंट रिचुअल सरमोनीज सेक्रिफाइस और इसी और इसी के साथ दीज वार इंड किंग विद डिवाइन पावर्स इन अदर वर्ड्स अगर हम देखेंगे जो हिंदू रिलीजन है तो उसमें ऐसी कुछ रस्में वस्में हैं जिनसे कहा जाता है कि बादशाह के यहाँ अगर कुछ हम ऐसे त्योहार या ऐसे कुछ रस्में मनाएं तो उसको एक शक्ति मिलती है तो हमारे यहाँ इस्लाम इस्लामी तो ऐसी कोई बात नहीं है हम नहीं देख हमने आज तक नहीं तो मैंने तो नहीं सुना है तो हम कुछ ऐसा इस्लाम में देखने को नहीं मिलता है तो जो ये इन वैदिक एज में जना और महा में ऐसी बातें हुई थी तो जो ये प्रीस्ट थे रिचुअल रिचुल्ज दे वर नॉट एबल किंग वाज नॉट एबल टू हैव दिस रिचुल्ज एंड सर्विस बाय द कॉमन मैन इट वाज द ड्यूटी और दिस वाज पर्फॉमेंस बाय द प्रीस्ट्स नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अनदर क्लास ऑफ द सेम सोसाइटी इसी सोसाइटी का एक दूसरा क्लास पर वो जो सबसे अपर क्लास था सबसे प्रस्टिजियस क्लास था कलर्जी क्लास था दैट वाज़ द ब्रह्मन जो सोसाइटी का सबसे ऊपरी वाला क्लास था वो कौन थे वो ब्राह्मण थे दी आल्सो इन्फ्लुएंसर द कि जो ब्रह्मनज थे इनका भी असर किसके ऊपर रहता था किंग के ऊपर रहता था जैसा कि हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण हैं यही पढ़ाने का लिखाने का काम कौन सोसाइटी में करते थे वो ब्राह्मण जी करते थे इतना ही नहीं जैसे मैंने आपको पहले भी का जो मजहब की तालीम वगैरह है वो कौन करते थे वो यही करते थे तो दिस वॉज द ड्यूटी ऑफ द ब्रहनज नॉट ओनली दिस दिस परफॉर्मिंग द डिफरेंट रिचुअल रिचुल्स एज अ पीस्टिस वायर डूइंग एंड मिनिस्टर्स नाउ We, when we are talking about the government, but here these ministers are not elected. You should remember as we are talking in the republics, they are elected bodies. But in this, in the, in, uh, when we are talking about the monarchies, when we are talking about the king, that these ministers were not appointed.

कानून बरकरार रखने के लिए हमें पुलिस की भी ज़रूरत है आर्मी की भी ज़रूरत है इतना ही नहीं है हमें यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है तो ऑफिसर्स को भी आफिसर्स की ज़रूरत है जैसे आप देखते हैं हंदवारा में हमारे यहाँ तहसीलदार होता है ए एस, सी होता है या ए सी डी एस पी होता है एस पी होता है या आर्मी भी होती है दी इज़ वाई आर्मी टू तो प्रोटेक्ट का कोई हमारे ऊपर हमला ना करे तो और हम हमारी ज़मीन को ही ले जाए तो उसके लिए हमने यहां पर फौज रखी है तो ऐसी उन दिनों में भी मिनिस्टर्स हुआ करेंगे आर्मी ऑफिसर्स होते थे और इतना ही नहीं डिफरेंट टैक्स रेवन्यू फॉर दर्पज ऑफ कलेक्टिंग ऑफ दियर डिफरेंट आफ ऑफिसर्स एंड दिज ब्रहन वायर आल्सो द डिफेंडर ऑफ दियर इंटरेस्ट तो ये सारे मिनिस्टर्स जो थे आर्मी ऑफिसर्स जो थे या टैक्स रेवेन्यू आफिसर्स जो थे ये इंसस्ट करते थे एडवाइस करते थे और अपने इंटरेस्ट्स को भी बचाते थे किसे किंग से तो दीज वर द आफिसर्स दीज द पीपल हु वर फ्रॉम द ब्रमी क्लास दैट मींस ब्रहमिनि क्लास एट दैट टाइम हैव आल्सो अ ग्रेट इंपॉर्टेंस नॉट ओनली देट इफ़ व्यू आर लुकिंग एट दिंदू सोसाइटी एट दिस मोमेंट अगर हम इस वक्त भी हिंदू सोसाइटी की तरफ देखेंगे तो हमें वहाँ पर भी ये ब्रह्मनी क्लास देखने को मिलता है नव इससे एक हम इससे पहले एक और बात पढ़ी दो दो बातें हमें पढ़नी हैं एक हमें पढ़नी है टैक्सेशन और दूसरा हमें पढ़ना है टैक्स यूजेज एक टैक्स कहाँ से आता था मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मुल्क चलाने के लिए जो हम सोचते हैं इतना ही जरूरी नहीं होता है बल्कि इससे भी बहुत सारी बातें ज़रूरी हैं बहुत कुछ ज़रूरी होता है जिसके लिए पैसा भी ज़रूरी होता है ताकि हमें रोड्स बनाने हैं वेल्स बनाने हैं कैनल बनाने हैं हॉस्पिटल बनाने हैं या गरीबों की मदद करनी है या अपने मुल्क का नज़म निज़ाम चलाना है या ऑफिसर्स या आर्मी या दूसरे लोगों की तनख्वाही जो देनी है वो कहाँ से आएगा बादशाह के पास अपना तो कोई खजाना है नहीं हमने जैसा कि हम आज भी देखते हैं हमारी गवर्नमेंट है, इनके पास कोई अपना ख़जाना तो है नहीं अब कैसी बात है जो हम टैक्स पे करते हैं तो वही टैक्स हमें वापस दिया जाता है तो हमारे यहाँ रोड्स जो गैर बाकी बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे हम देखते हैं सरकारी स्कूल हैं सरकारी हस्पता हैं किसी जगह पंचायत घर हैं किसी जगह रोड्स हैं रोड्स हैं या जैसे ये वाटर सप्लाई ये हमारी टैक्स से बनाए जाते हैं आपको मेरी बात समझ में आती है ऐसी उन दिनों की भी बात है जो टैक्स यूजेज थी इसमें क्या क्या वो करते थे दे व मेकिंग बाय द किंग फॉर मेंटेनिंग मैंटेिंग पेमेंट्स ऑफ सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया आर्मी ऑफिसर्स थे दो पीपल हु वेर कलेक्टिंग द टैक्स टैक्स रेवेन्यू ऑफिसर्स दो पीपल दीज वे आर वायर अदर कमांडर्स ऑफ आर्मी दे नीड सैलरीज दे नीड सैलरीज तो इनकी सैलरी किस से दी जाती थी जो टैक्स आता था टैक्स से जो पैसा आता था वो इसी से दिया जाता था इनको दिया जाता था तनख्वाह में इतना ही नहीं है दिस टैक्स वाज यूजड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ रोड्स वेल्स कैनल्स ई टी सी एंड सपोर्टिंग ऑफ ब्रहमनज य हमारी बुक पर भी लिखा गया है तो जो हमारी यहाँ कंस्ट्रक्शन जो होती थी उन दिनों जो वहाँ कंस्ट्रक्शन होती थी डिफरेंट वैल्स की होती थी या किसी और और चीज़ की भी होती थी तो वो उसके लिए जो पैसा है वो कहाँ से आता था वो टैक्स से आता था तो टैक्स का पैसा किस, किस पर खर्च किया जाता था कंस्ट्रक्शन पर खर्च किया जाता था नब अब आपके जहन में आएगा कि ये टैक्स आता कहाँ से था ये टैक्स आता कहाँ से था ये किन किन पर लागू हो जाता था अगर हम आज भी देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में हमारे गाँव में कुछ बंदे ऐसे जिनके ऊपर टैक्स लग जाता है पर बहुत बोधबंदे ऐसे भी हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता है ठीक है अगर हम देखेंगे एक गेजटेड ऑफिसर है तो उसकी तनख्वाह जो अच्छी खासी होती है तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है उसी के बरक्स एक दूसरा मुलाजिम होता है जो आम फाँ मुलाजिम होता है थर्ड फोर्थ थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड का उस पर टैक्स आसानी से नहीं लगता है तो इसी तरीके से जो जब हम उन दिनों की बात करेंगे तो उन दिनों हम भी देखेंगे हम ये पढ़ेंगे कि उन दिनों किस सोसाइटी के किस किस क्लास पर टैक्स लगता था किन किन को टैक्स किन की तरफ पे करना पड़ता था ठीक है तो दीज व प्रोड्यूसर्स एज हैव टॉकड इन द आर वीव अबाउट द जनपद महाजनपद एज वी आर थ्रू इट प्रोड्यूसर्स दिस सोसाइटी वाज बेसिकली बेस्ड अपॉन द एग्रीकल्चर This society was based upon the agriculture. That means the whole soul production was from agriculture. There was no technology at that moment. There was no space um, ships, other technologies, other um, marketplaces. As we are looking in this present century, present society, this was not in their society. उन दिनों की जब हम बात करेंगे तो ऐसा देखने में नहीं मिलता है जैसा कि आज है तो उन दिनों जो भी आता था जैसे कि हमने वैदिक एज में भी बात की तो वो वो कौन बनाते थे वो प्रोड्यूसर्स एग्रीकल्चर्स बनाते थे तो एग्रीकल्चरलिस्टस प्रोड्यूसर्स पर टैक्स लगता था कारपेंटर्स पर टैक्स लगता था पोर्टर्स पर टैक्स लगता था ट्रेडर्स पर टैक्स लगता था एंड दिस टैक्स विक्सड एट वन सिकस्त ऑफ द प्रोड्यूस जो भी ये फसल तैयार करते थे तो इसका जो तैयार शुदा फसल में से सिकस्त हिस्सा छठा हिस्सा किस को क्या लेते थे वो टैक्स लेते थे ना जब टैक्स की बात हम करते हैं तो आज अगर हम देखेंगे हमारी सोसाइटी में जो टैक्स हैं ये हम कैश में पे करते हैं ये हम कैश में पे करते हैं वी आर पेइंग इट इन द हार्ड कैश बट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द जना पदाज एंड महाजना पदार्थ दिस वॉज पेड बोथ इन द फार्म कैश एज वेल एज इन द फार्म गुड्स अगर आपके पास हैं तो कैश दे दो अगर आपके पास नहीं है तो फसल ही दे दो तो फसल ही दे दो ये नहीं जरूरी है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा ही तो आप टैक्स नहीं भर सकते नहीं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इसके बरकस कोई जन्स दे दो this was for today but i will hope that you will also go through the book you will read <coughs> this is very easy to understand as we will complete it within within one or two lectures but i request it to my dear students please go through the book and read at your home thank you